हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बिंदास है, सच बता रही हूँ, हम लोग देखते रह जाएंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो लास्ट तक देखना, इसका फाइनल लुक देखे बिना मत जाना। और अगर डिज़ाइन सच में बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मतलब अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाता है ना, तो भी मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आपकी यहाँ पे मैंने जो डबल लाइनिंग करने के बाद जो थोड़ी थोड़ी दूर में की थी, उसमें मैंने चेक बना दिए हैं। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मैंने चेक थोड़ा सा तिरछा करके बनाया, यानी कि बर्फ़ी की पीसेस के टाइप का बनाया है, जो कि मतलब बिल्कुल सीधा सीधा नहीं था। और उसके बाद मैंने यहाँ पर हल्का सा ड्रॉप वाले डिज़ाइन अप्लाई कर दिए हैं, जो कि बहुत ही सिंपल से ड्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे मैं फ्लावर अप्लाई कर रही हूँ अभी, मतलब इसका लुक थोड़ा सा चेंज है। नॉर्मली जैसे हम लोग फ्लावर बनाते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सर्कल, उसके बाद उसमें छोटी छोटी सी लाइनिंग, और उसके बाद भी एक फूलों की पत्तियों का जैसा मतलब एक राउंड बना दिया है, और उसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, यानी कि थोड़ी सी डार्क कर दिए। उसके बाद सिंपल फूलों की पत्तियों का डिज़ाइन बनाया है। तो आप एक चीज़ देखिए इसमें कि मैंने बहुत ही छोटे से स्टार्ट किया था, जबकि फूल काफ़ी बड़ा बन गया और बीच का जो एरिया था वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो उसका फ्लावर का जो आउटसाइड था वो मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैं वैसा ही चेक बना रही जैसे कि मैंने पहले बनाया था। और यहाँ पे मैंने इसकी आउटलाइनिंग करके उसमें डॉट डॉट अप्लाई कर दिए हैं। अगर आप चाहो तो येली लाइनिंग अप्लाई करने की बजाय आप जो सिंगल सिंगल सी बनी हुई है उसमें भी डॉट डॉट अप्लाई कर सकते हैं, बट डॉट थोड़े से बड़े कर देना तो वो दूर से अच्छे से दिखाई देंगे, क्योंकि बीचे भी चेक में जो डिज़ाइन है वो भी हल्का सा डॉट से रिलेटेड है, तो इसलिए जो बाहर के जो डॉट हैं वो हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पे सिंपल सर्कल सर्कल बना के मैंने फ्लावर जैसा लुक दिया है, और उसको बीच में डॉट बना के थोड़ा सा एक लुक दे दिया है। यहाँ पे भी मैं बिल्कुल वैसा ही कुछ फ्लावर बना रही हूँ। अब आप देखना, जो मैंने ये कलाई के पास वाला जो हिस्सा था जिसको मैंने कंप्लीट किया, जबकि इसके बीच में काफ़ी सारी जगह खाली है। बट आप देखना, कभी कभी क्या होता है कि जो चाहे वो जगह खाली हो चाहे वो भरी हो, पर कुछ डिज़ाइन में ना ये खाली जगह भी ना मतलब एडजस्ट हो जाती है। अब आप देखना, पूरा जब मेहंदी डिज़ाइन बन जाएगा तो इसमें काफ़ी जगह ऐसी हैं जो खाली हैं, बट फिर भी सारा डिज़ाइन जो है वो खिल के आ रहा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब पता है आप लोगों में से काफ़ी लोग सोचेंगे कि यार ये डिज़ाइन तो ना पहले देना चाहिए था। तो देखिए, मैंने पहले भी बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइन मतलब अपनी तरफ से कोशिश पूरी की कि आप लोगों को वो सारे लगे भी हों डिज़ाइन देखने में। और उसके अलावा ये वाला जो डिज़ाइन है तो आने वाले फेस्टिवल में भी आप ट्राई कर सकते हो। और पता है, अगर आपको ज़रा सा भी लगता है ना कि आप ये वाला डिज़ाइन देख रहे हैं उसका फिर दूसरा वाला, थोड़ा सा एक मन ना आपका वो जाता होगा कि यार कौन सा लगाएं, तो पता है आप क्या करा करें, सिंपल आप फोटो मतलब वीडियो जब भी देखते हैं उसके बाद ना लास्ट में आप कुछ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि मैं पिक्स लगा देती हूँ, तो आप उसको देखने के बाद मतलब देख के आप मेहंदी लगा सकते हो, बस और कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल जिगजैग मैंने चेक बनाया है, और उसके अंदर भी सिंपल से डॉट बना दिया है। अच्छा, आप लिटिल फिंगर वाला डिज़ाइन देख रहे हो, आप बहुत सिंपल से है ना, सर्कल बनाने के बाद मैंने छोटी सी बेल बना दी है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी ये जगह। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली उन गर्ल्स से जो मेहंदी की वीडियोस खुद भी बनाती हैं और अपने चैनल पर डालती हैं, आप लोगों से मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियाँ मेरे को कमेंट करती कि दीदी हमारे चैनल पर आके देखिए, बट मैंने देखा जाके पता बहुत सारी लड़कियों को देखा मैंने, मतलब एक नहीं कई सारे लोगों को देखा कि उन लोगों ने पूरा पूरा थंबनेल मेरी तरह ही बिल्कुल सेम मतलब उसको कॉपी करके लगा रखा है। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, अगर आप अपनी कोशिश करेंगे ना तो शायद आप लोग और भी कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मैंने पहले भी कई बार कही है, तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो आज का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं हम फ्रेंड्स नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय। और प्लीज़ माधवी रश्मि ब्लॉग चैनल को भी जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।